ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूँ आपके साथ अंशु त्यागी। और आज दोपहर में हुई इस बारिश ने लोगों को राहत दे दी है गर्मी से। मैं कहूँगा मानसून की इस बारिश से लोगों को बेहद खुशी महसूस हो रही है, जिस तरह से मैं लोगों से बात भी करूँगा। और अगर मैं आपको समय बताऊँ तो इस वक्त करीब 1:05 हो रहे हैं, लेकिन अगर आप नज़ारा मेरे पीछे पर देखेंगे तो बारिश के बाद का जो नज़ारा है वो बेहद बेहतरीन भी नज़र आ रहा है। और आप देखेंगे वाला भी यहाँ से लोग बारिश का आनंद उठा रहे हैं। आप देखेंगे तो जो भी लोग हैं वो बारिश इंजॉय ले रहे हैं देखते हुए और बारिश में इस वक्त निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पब्लिक है वो बारिश का पूरा आनंद ले रही है। मैं लोगों से भी जानूंगा कि आखिर कुछ लोगों का यहाँ पर क्या कहना है। बारिश होने से मौसम में राहत तो मिली है, उसके बाद ये नज़ारा भी आप देख लो। दिल्ली का जो सीवरेज सिस्टम है उसके कारण ये हमेशा हर साल ये रहता है कि अगर दिल्ली के अंदर आधे घंटे की अगर बारिश हो जाए तो उसके बाद इस तरह के हालात देखने के लिए नज़र आ जाते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, बारिश पड़ रही है, काफ़ी दिनों से पड़ी नहीं थी और हल्की हल्की गर्मी ह्यूमिडिटी टाइप लग रही थी, तो आज थोड़ी खुल के बारिश हुई तो इसलिए मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की ठंडी भी लग रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दिल्ली में बारिश होना तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है और बारिश में तो नहाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस पर इतनी तेज बारिश देखने को मिल रही है और ऐसी बारिश तो मुझे बहुत पसंद है। और इस बारिश में जहाँ एक तरफ लोगों को खुशी मिलती है कि गर्मी से उन्हें राहत मिल गई, तो थोड़ा सा तकलीफ भी उन्हें उठानी पड़ती है। दिल्ली के अशोक विहार में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, लेकिन पानी का आलम देख लीजिए। केवल 15 मिनट की बारिश हुई है और 15 मिनट में जो हालात हैं वो कुछ ऐसे हो गए हैं कि स्कूटी का जो टायर है वो पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब रहा है। मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँगा, स्कूल के बच्चे भी इस वक्त जा रहे हैं स्कूल से घर की तरफ, क्योंकि अमूमन 1 से 1.5 बजे के आसपास का जो समय होता है वो स्कूल की छुट्टी का समय होता है और इस वक्त बच्चे निकलते हैं अपने घरों के लिए। और आज लेकिन क्योंकि पेरेंट्स भी उनके साथ हैं तो बारिश में भीगते हुए बच्चे घर जा रहे हैं। तो अमूमन ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिलने वाली है। तो इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सब इस तरह की सारी खबरों को सबसे पहले दिल्ली दर्पण टीवी पर देख पाएं। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर